नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना संकट के बीच वैक्सीन को लेकर दुनिया में एक रेस चल रही है। कई देशों ने वैक्सीन की रेस में खुद को अव्वल बताया, हालांकि अब तक सभी पैमानों पर खरी उतरकर कोई वैक्सीन मार्केट में नहीं पहुंची है। लेकिन फिर भी इन देशों का दावा है कि उनकी वैक्सीन पूरी तरह से कारगर है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। इस बीच चीन ने भी एक नया दावा किया है कि वो लोगों पर प्रयोगात्मक तौर पर कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश है। चीन के अनुसार उसने जुलाई के अंत में इस वैक्सीन को अत्यधिक जोखिम वाले समूह के बीच उतारा था। इस दावे को अगर सही माना जाए तो चीन ने रूस से 3 सप्ताह पहले ही अपने वैक्सीन को लोगों के बीच उतार दिया है। हालांकि दोनों ही वैक्सीन ने क्लिनिकल ट्रायल के मानकों को पार नहीं किया है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग के स्वास्थ्य अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि उन्होंने कुछ मेडिकल वर्कर्स और सरकारी उद्यमों से जुड़े कर्मचारियों पर जुलाई माह के आखिरकार में आपातकालीन प्रयोग के तहत वैक्सीन की खुराक दी थी। बता दें कि दुनिया भर के अधिकारियों के बीच इस बात को लेकर बहस छिड़ी है कि कोविड-19 वैक्सीन और इसके इलाज को बाजार में लाने के लिए उन्हें अपने ड्रग डेवलपमेंट प्रोटोकॉल को कितने समय तक लंबित रखना चाहिए। बीजिंग की ओर से ये घोषणा पिछले सप्ताह एक कूटनीतिक विवाद के बाद सामने आई, जिसमें पापुआ न्यू गिनी ने कहा था कि उसने चीन के उन खान कर्मियों को वापस लौटा दिया था जिन्होंने ये प्रयोगात्मक कोरोना वैक्सीन ली थी। बीजिंग के इस दावे के बाद अमेरिका में बेचैनी की स्थिति है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को ट्वीट कर आरोप लगाया कि अमेरिका का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बिना कोई जानकारी दिए कोरोना वैक्सीन को विकसित करने में देरी कर रहा है। वहीं रूस ने इसी माह दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बना लेने का ऐलान किया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि उनके देश ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बना ली है। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी बेटी को ये टीका लगाया गया है और अब वो अच्छा महसूस कर रही है। दावा है कि इस टीके से कोविड-19 के खिलाफ स्थायी इम्यूनिटी विकसित की जा सकती है। हालांकि मीडिया में आई खबरों के मुताबिक रूस के क्लिनिकल ट्रायल संघ के प्रमुख ने इस वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन नहीं करने को कहा है। इसके मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल आमतौर पर हजारों लोगों पर होता है, जबकि रूस की वैक्सीन का ट्रायल 100 से भी कम लोगों पर हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।